I was walking out one evening late, the moon was rising high. सारे फेमस फेमस जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सब अगल बगल ही हैं, जैसे सब 200, 400, 500 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। सही है ना, आपको बस पैदल चल के ही मिल जाएगा सारा चीज़, कोई टैक्सी कोई बस का झमेला नहीं रहेगा। मेरे पीछे है हरमिदास म्यूज़ियम, जस्ट ठीक उसके सामने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी। Patrol man, he walked by, asked me where I'm going. हम पहुंच चुके स्टेट हरमिदास म्यूज़ियम, कहा जाता है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है। कहा नहीं आता, यही है भाई। इस म्यूज़ियम में रख के अगर हर आर्टिफैक्ट को एक मिनट के लिए भी देखा जाए तो 11 साल लग जाएगा पूरा कम्प्लीट होने में। अंदर जाना है कि नहीं ये इसके प्राइस पे डिपेंड करेगा। अगर 300-400 तक हुआ तो अंदर जाएंगे, 500 से ऊपर हुआ नो चांस। Said if the sun set on me there I'd never make it home. He said don't go downtown tonight, there's trouble on the rise. Batman in the shadows and bound to take your life. ये डिसाइड किया है कि आज मौसम अच्छा है तो अपन बाहर घूमेंगे, और ऐसा कल वेदर फोरकास्ट में देख रहा था कल बारिश है तो कल शायद म्यूज़ियम जाएंगे। आज म्यूज़ियम नहीं जाएंगे, आज अपन बाहर घूमेंगे जो देखने वाला चीज़ है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। अगर बात की जाए इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री के बारे में तो ये म्यूज़ियम पहले रसिया के जो एम्पायर हुआ करते थे उनका ये रेसिडेंशियल पैलेस था। इस पैलेस को एम्प्रेस एलिजाबेथ के लिए सन 1754 ईस्वी में बनवाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कंप्लीट होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो अगली एम्प्रेस आई कैथरीन द सेकेंड, ये उनके और उनके सक्सेसरों के लिए एज ए रेसिडेंशियल पैलेस था। फिर कुछ साल बाद जब रसिया से ज़ारिज़्म ख़त्म हुआ, अक्टूबर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ सन 1917 ईस्वी में, और रसिया बोल्शेविक पार्टी यानी कि तब का जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी था रसिया उसके अंदर चला गया और यूएसएसआर का गठन हो गया। यूएसएसआर के गठन होने के बाद इस विंटर पैलेस को हरमिदास म्यूज़ियम के नाम से आम लोगों के लिए एज ए म्यूज़ियम खोल दिया गया। ये म्यूज़ियम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। इसके अंदर 3 मिलियन से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, और अगर बात की जाए इसके एरिया के बारे में तो ये इसके अंदर तकरीबन 1500 कमरे हैं। ये टोटल 6 पार्ट में है, इसमें से सिर्फ 4 या 5 पार्ट ही आज आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है। ठंड बढ़ने लगी है, बादल आ रहे काले बादल। म्यूज़ियम तो बाहर से देखा, ये हम लोग हरमिदास के पीछे के साइड आ गए। अच्छा माहौल है, सिटी सेंटर है ये, बस के जस्ट पीछे ही ना वो ब्रिज है। हाँ मुझे तो दिख भी रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। ये अच्छी चीज़ है, सारा चीज़ यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे। हाँ टैक्सी का पैसा, बस में मतलब बस का पैसा, मेट्रो का, ये सब का पैसा बच रहा है। और आप लोग भी यहाँ ये सब चीज़ तो अगल बगल ही वॉक करके घूम सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे, ज़्यादा चीज़ देख भी पाएंगे। कहीं दूर जाना है तब टैक्सी, बस, मेट्रो जो यूज़ करना है, ट्रैम भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हवा चलना स्टार्ट हो गया भाई, ठंड भी बढ़ रही है। हाँ शायद हम लोग ब्रिज तो पहुँच गए, यही ब्रिज है लेकिन अभी तो बंद है, मतलब खुला नहीं है, शायद शाम में खुलता हो। इस ब्रिज का कुछ नाम है, एक मिनट में नाम देख के बताता हूँ। दुवर्त सोवी मोस्त, ऐसा कुछ नाम है, दुवर्त सोवी मोस्त, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, बट गूगल पे तो ऐसा ही लिखा है। ये रहा वो ब्रिज, खाने की खुशबू आ रही है भाई, भूख लग रहा है।
चलते हैं कुछ खाएंगे, कैमरा वगैरह डिस्चार्ज हो गया है, कैमरा चार्ज करना। ये वो ब्रिज रिवर पे है, आपको ये देखिए व्यू दिखा, कैमरा पकड़ के रखना पड़ रहा है कहीं गिर ना जाए। अब हल्की हल्की सी भूख भी लगने लगी है, शायद जब थोड़ा शाम हो जाएगा या अंधेरा हो जाएगा तब ये ब्रिज ओपन होता है, तो देखते हैं, अगर ओपन हुआ ज़रूर दिखाएंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं। Slipping silent through the creek, hounds to lose my scent. I went up a tree and I watched them turn, wonder. Restaurant search अभियान अभी भी стоит. Экскурсия по рекам Канау. Привет. Привет. How are you? Fine. Сколько это стоит? Сколько это стоит? У нас есть несколько экскурсий, есть дневные, есть ночные. Вы ночную хотите, наверное? Nightboarding. Underboard. Вот это будет? Yeah, будет. Сколько стоит? Смотрите, есть в 23:15 отправляемся, 2:30 в пути. 1700 взрослые, 1500 студенты, детские. Ну вот, я надо вот час. 2 миллион подписчиков. Спасибо. После этого видео. Хорошо. Инке пас айега? Board excursion ke liye. Board excursion. Да. А вы откуда? С какого города? Из Индии. Из Индии? Не, ну я вижу, что из Индии. А тут в России по русским где ночью? Да, Ставрополь. Ставрополь, Карай. И вы хотите и Питер, наверное, посетить, еще другие где-то города? Питер, Москва. Но Москва сейчас нет. Петербург, Ставрополь. И Ставрополь. ये दिया भाई 1000 रुपए का था, उसने कहा 400 में एक आदमी और 1 घंटे 10 मिनट का, तो अगर कल मन हुआ तो कॉल करेंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे लोगों का, 2-3 लोगों का ये ले लिया है, इसमें सस्ता मिल जाए अगर मन किया। और ये साइट सीइंग बस आप ये भी ले सकते हैं, ये ऑल ओवर सिटी आपको जो यहाँ पे साइट सीइंग मेन साइट्स है वहाँ तक वहाँ जाएगी और आप घूम सकते हैं। नहीं नादा, आपको हर जगह हर कदम कदम पे आपको ये एक्सकर्सिया वाले मिल जाएंगे, शुरू से बात करें। Where are we? I take a rest, I hold my breath, I let it simmer down. Personless toilet. यहाँ सिक्के डालिए या फिर कार्ड स्वाइप कीजिए और फिर आप टॉयलेट यूज कर सकते हैं। अभी निखिल अंदर गया हुआ है। Where are we? I take a rest, I hold my breath, I let it simmer down. यहाँ जो हमें चाहिए वो है नहीं, हमें चाहिए शॉर्मा और यहाँ मिल रहा है प्लीनी, यानी कि रसिन पैनकेक। तो प्लान में आया कुछ चेंज, अब हम फाइनली जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ बैठेंगे खाएंगे। उसके लिए हमने किया है टैक्सी बुक, 1 मिनट में टैक्सी आ रही है, उबर, वाइट कलर की वॉक्सवैगन पोलो है, गाड़ी का नंबर है 728। ये आ गई, मैं टैक्सी आ गई, टैक्सी में बैठ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गरम गरम तो पैर को इतना आराम मिल रहा है ना, बता नहीं सकते क्या निकल पा रहे। देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है, क्या प्राइस रहता है, इंडिया से कितना महंगा है या सस्ता है या फिर सेम प्राइस पर है। सस्ता तो नहीं होगा, थोड़ा कॉस्टली ही होगा। टैक्सी में हुआ है 93 रुबल्स। और ये है ओ मुंबई बार ग्रिल एंड करी, और ये हमारा प्यारा तिरंगा।
हेलो, रेस्टोरेंट खुला है? रेस्टोरेंट खुला है, लेकिन आज हम लोगों का जन्मदिन है रेस्टोरेंट का। अच्छा, 8 साल पूरे हो गए तो सारा बुक है। अच्छा, तो इधर और कोई अगल बगल इन रेस्टोरेंट है? आप लोग कहाँ से? मैं बिहार से। बिहार कहाँ से? कटिहार। आप? नहीं, मैं दिल्ली से। अच्छा, मुंबई से भी आते हैं हम लोगों का, क्योंकि सब टोटल बुक है अभी हम लोगों का। अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल पैक है ये तो। आज हम लोगों का 8 साल हो गया तो पूरा कंप्लीट, 8 ईयर हम लोगों का हो गया। अभी आप नियर बाय अगर जाना चाहेंगे तो इधर से निकलेंगे, मतलब बाहर निकल कर राइट लेंगे, राइट लेके फर्स्ट स्ट्रीट जो आ रहा है राइट लेके वो एक कहते हैं हम लोगों का नाला। चले, अभी कितने दिन है? बस दो दिन। आए भी ऐसे टाइम पे, फिर क्या बताए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा दुष्यंत जी। Arseniy Vladimirovich Muk. भाई ये तिरंगा मस्त लग रहा है यहाँ। तिरंगा अभी फिर इसको सीधा करना, हवा में इसको भी सीधा करना है। ठीक है, अभी कर दीजिए। और फिर वही हवा तो रहेगा ना अब साइड। ठीक है, ठीक है, चलिए। बाकी आपका इंतजार रहेगा मुंबई। ओके, मैप पे तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर बता रहा है। अभी जा पाना पैदल इज क्वाइट इम्पॉसिबल हमारे लिए। तो ये बिल्डिंग देखिए, मतलब ये शॉपिंग मॉल टाइप है लेकिन म्यूजियम से कम नहीं लग रहा है। हाय, फाइनली KFC में आ गए। यही सबसे सस्ता ऑप्शन दिखा इधर। पिज्जा हट भी गए थे भाई, वहाँ पे भी लार्ज पिज्जा 800-900। यहाँ मेन चीज़ भी मिल गया, अपना सॉकेट जहाँ अपना चार्ज हो रहा है कैमरा। यहाँ से आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। ये ड्रिंक कॉफी कैपेचिनो, यस 59। ये हमारा ऑर्डर, ये मेरे दो बर्गर, ये निकल का बर्गर और एक पता नहीं क्या है ये, और ये लाटे और ये कैपेचिनो। चीज़ बर्गर। अच्छा, हम लोग यहाँ आए थे 6:30 बजे और अभी बज चुके 8, 1.5 घंटे बैठे और अब चलते हैं बाहर अगले पड़ाव की तरफ। KFC को बाय बाय, दो दिन से ही हमारा पेट भर रहा है। अगर आप अगर बाहर कंट्री गए होगे ना तो खाने के लिए जनरली रिस्क, अगर ज़्यादा भूख लगाए तो बाहर दूसरी शॉप में रिस्क करने से अच्छा है अब हम पहले से जिस शॉप को पहचानते हैं वहाँ पे जाओ, लाइक बर्गर किंग, KFC, जनरली हर जगह पे मिल जाते हैं। यहाँ पे तो मुझे यही सस्ता लग रहा है अभी। Tell you how to do. Keep your money in your pocket, boy, and the razor you shoot. तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी नैनीताल। रात में और भी खूबसूरत दिख रहा है।
साइड है स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम। हम लोग आ गए रिवर के पास, अब देखते हैं कि ये सच में ये ब्रिज खुलता है या फिर ऐसे ही कभी कभी खुलता है। वैसे तो माहौल काफ़ी अच्छा है, इधर बैठ के थोड़ा चिल करते हैं। देखा आपने, बोट के अंदर पार्टी हो रही है। ये मेरे बगल में बोट्स पार्क्ड हैं। सोलह सावन बढ़ के दिया में अब समा जा मन की।